24 फरवरी को यह भी कहा था यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काट कर उनके चरणों में रख देगी। जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है, क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी? बैठिए प्लीज कुमारी जी, बैठिए कुमारी जी, बैठिए कुमारी जी, राउंड अप करो कुमारी जी, बैठिए। हो गया, मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ता आपके वर्तमान अगर चाहे बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी को भी मजबूर होकर अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए फिर आपको नीचे जमीन पर लाना होगा। इच्छा नहीं बल्कि आपका 24 फरवरी को मेरे विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने मुझसे खुद बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप सुनो, रिकॉर्ड में आने की जरूरत है। अब मैं बताना चाहती हूँ, और इतना ही नहीं बल्कि आपका माननीय मंत्री जी का 24 फरवरी को मेरे वे विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है, जिसके लिए आपने यानी कि मंत्री जी ने मुझसे कल लॉबी में आकर माफी भी मांगी थी, और फिर मैंने एक महिला और आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफी कर दिया है, कल तो आपको मैंने माफी कर दिया है, लेकिन ऐसी गलती से दोहराने का भविष्य में मेरा समाज वे मेरी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग इसकी आज्ञा आपको सलाह के तौर पर और इतना ही नहीं,